गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और पिछले 18 सालों से अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है और साथ में मंच पे आपके आगे कैसे लोगों को एड्रेस करना है इस पे मैं 18 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हमारे दिल्ली और एनसीआर के अंदर करीब 10 सेंटर हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप ऊपर लिखे हुए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन मत भूलिएगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करना है आपने। दोस्तों मैं पिछले एक हफ्ते से हर रोज दिन में 2 बारी लाइव हो रहा हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है। एक बारी मैं यूट्यूब पर और एक बारी मैं फेसबुक पर लाइव हो रहा हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके साफ साफ लिखिए, मैं उनको जरूर एड्रेस करूंगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, मैं बहुत आराम से भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरे सामने चैलेंज होता है कि मुझे को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है और वीडियो को शॉर्ट भी रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपको मिले, आपके क्वेश्चन के आंसर मिले, तो आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर पुश करना है। दोस्तों हमारे नए बैचेस जो हैं बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही। अगर आप इन कोर्स को करना चाहते हैं तो इंडिया में आके, दिल्ली में आके आप रह सकते हैं एज ए पीजी। दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब में लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, ज्यादातर पैसा नहीं है या लोन करवा दो, पैसा नहीं है, लोन कैसे लें, लोन कैसे लें, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उन लोगों के लिए और बहुत सारे और लोगों के लिए आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूं। मैंने अब से करीब 25 साल पहले एक बहुत बड़ी गलती मैं करते करते रह गया। अगर ये गलती मुझसे हो जाती तो मैं दिवालिया हो जाता। इससे बहुत बड़े संज्ञान हम लोग लेने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग इसके अंदर है। 25 साल से ये इंसिडेंट मेरे दिल के अंदर है। मैं जब भी अपनी ट्रेनिंग देता हूं तो अपने हर एक स्टूडेंट को मैं बार बार बताता हूं, जो गलती मैंने की करने से बच गया था वो गलती आप लोग ना करना। उस एक गलती के अंदर 4-5-6 संज्ञान है जो मुझे आपको देने हैं। और खासकर वो लोग जो कहते हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास, लोन मुझे लेना है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे कोई पार्टनर दिला दो या पार्टनर को कैसे मैं अप्रोच करूं, उन सब के लिए मैं एड्रेस करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं, करीब 95-96 की बात है। एक बारी गारमेंट के दिनों में जब मैं गारमेंट का मैन्युफैक्चरर था एंड आई वाज सप्लाइंग टू 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया, मुझे एक इंपोर्टर का फोन आता है और इस इंपोर्टर ने मुझे बताया कि इसके पास ऑस्ट्रेलियन लैक्रा है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है। यू नो लैक्रा स्ट्रेचेबल, आज की जितनी भी जींस बन रही है पिछले कुछ एक सालों से आपने देखा होगा उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है, आप पहनते हैं टाइट से टाइट आप पहन लीजिए वो अपने आप स्ट्रेचेबल हो जाता है। ये फैब्रिक लैक्रा हमारे यहां पर आ तो कई सालों से रहा है लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ एक साल से। लेकिन 25 साल पहले जैसे उसने मुझे फोन किया, मेरे पास लैक्रा है, मेरे पास स्ट्रेचेबल कपड़ा है, मैं समझ गया मैं सालों से इस बिजनेस के अंदर हूं। मुझे उसी वक्त समझ देर ना लगी कि यह कपड़ा जबरदस्त बिकेगा। देखिए जब आप ट्रेड में होते हैं तो आपको धीरे धीरे ट्रेड करते करते समझ में आता है क्या चीज बिकेगी क्या चीज नहीं बिकेगी। यही मैं आपको और साथ में बताना चाहता हूं कि वो सब लोग जो बार बार कहते हैं सर बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, क्या हो, मैं कह रहा हूं भैया थोड़ा थोड़ा स्टेप लो, धीरे धीरे आपको अपने बिजनेस से अकल आएगी, आपको पता लग जाएगा क्या चीज बिकेगी क्या चीज बिकेगी। सुनिए क्या हुआ। उसने कहा लाखों मीटर कपड़ा है आप आ जाइए। मैं ओखला में, दिल्ली के अंदर ओखला है, वहां पर पहुंचा और जैसे वो इंसान मुझे लेकर के अपने बड़े से ह्यूज से गोदाम में गया और बाबा थान ही थान थे, हजारों थान वहां पड़े हुए थे। एक थान का उसने जब खोला और थान का मैंने कपड़ा देखा, रंग देखा और जैसे मैंने उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी देखी बिल्कुल रबड़ की तरह, मैं पागल हो गया। उसमें हद से ज्यादा लैकड़ा था, आज जितना लैकड़ा है उतना ही लैकड़ा 25 साल पहले उस ऑस्ट्रेलियन कपड़े के अंदर था। मैं अगला थान खोला, तीसरा, चौथा, पांचवां, दसवां, जितने थान खुलता गया मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई बढ़ती गई। मैं समझ चुका था यह फैब्रिक अगर मेरे पास में आ गया मुझे इंडिया के अंदर नंबर वन बनने से कोई रोक नहीं सकता। दिमाग में तो बिजनेस के होता ही हमेशा पैसा, मैं उसी वक्त कैलकुलेट करना शुरू कर गया कि अगर ये कपड़ा मेरे पास आ गया तो मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं नंबर वन पे पहुंच जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और वो सही भी थी, कपड़ा बहुत बढ़िया था। इस बात को मैंने 25 साल पहले एंटीसिपेट कर लिया था उस कपड़े को देखने के बाद। मैंने वहां पर जाने से पहले जब उसने मुझे कॉल किया था मैंने उससे रेट पूछा था तो उसने कहा था 100 रुपए पर मीटर, जो कि मुझे मालूम था कि 100 रुपए पर मीटर ओके। अब जब मैंने सारा का सारा माल देखा मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर कितना माल है, उसने कहा इतने लाख मीटर है। मैंने कहा ये सारा का सारा माल मुझे चाहिए। अब मैंने क्या कहा मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे एक और डर हो गया कि अगर ये माल मार्केट में किसी और पहुंच गया तो ये किसी और के पास जिसके पास भी पहुंचेगा वो मेरा कंपेटिटर बन जाएगा और मैं अपनी प्राइस चार्ज नहीं कर पाऊंगा, मुझे मोनोपोली चाहिए। और ये सही भी है। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं हर वो प्रोडक्ट जहां पर आपके पास कॉम्पिटिशन है उस प्रोडक्ट में उस एरिया में मत जाइए, वहां पर जाना है आपने जहां पर कंपटीशन कम से कम से कम से कम हो। तो मैं चाहता था कि वो सारा का सारा फैब्रिक मुझे मिले। मैंने उसके सामने शर्त रखी सर ये सारा फैब्रिक आप किसी और को नहीं देंगे, कहता ठीक है आप सारा का सारा ले लीजिए। मैंने कहा रेट बताइए, कहता रेट आपको कल बताता हूं। उसके बाद मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं चल पड़ा अपनी फैक्ट्री की तरफ। सारे रास्ते आई वाज वेरी एक्साइटेड, सारे रास्ते सारी रात मैं सो नहीं पाया, कैलकुलेशन करता रहा अगर ये फैब्रिक मेरे पास नंबर वन, आई एम गोइंग टू बी नंबर वन नंबर वन नंबर वन।
अगले दिन सुबह सुबह एक्साइटमेंट के मारे सुबह सुबह 10 बजे मैंने उसके ऑफिस फोन किया। मैंने कहा सर बताइए क्या रेट रखा है उसने। सुनने वाली बात है, उसने कहा एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। उसने मुझे होल्ड पे करवाया, फोन को उठाया, उस पर हाथ रखा, अपने पार्टनर को बोला देखा तुम्हें कहा था ना साला फोन करेगा, एक पैसा इसको कम नहीं करना। मैंने सुन लिया, मैं थोड़ा ईगो में आ गया। उसने मुझे कहा सर आप एक मीटर लीजिए या 10 लाख मीटर लीजिए, आपको सारा का सारा फैब्रिक उठाना पड़ेगा और रेट एक ही लगेगा, चाहे आप लो या ना लो, सारा लो कम लो, जो कि गलत था। मैं जानता था वो गलत कह रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप इतना डिमांड है तो मैं 500 मीटर लूंगा। कहता ठीक है 500 मीटर ले लीजिए। मैं शाम को गया और मैंने 500 मीटर के 50,000 रुपए दिए, अपनी गाड़ी में सामान को रखा और मैं सीधा अपनी फैक्ट्री में पहुंचा। मैंने वहां सारा का सारा 500 मीटर से बनने थे करीब 400 पीसेस, लोअर बनने थे उसके, मैंने प्रोडक्शन में डाले। प्रोडक्शन 400 पीसेस के आने में करीब 10 दिन लग जाता है, उसको मैन्युफैक्चर होना होता है, उसके बाद वो जाता है केमिकल वॉशिंग के लिए जाता है, उसकी लेबलिंग टैगिंग उसकी थ्रेड कटिंग बहुत कुछ होता है। 8-10-12 दिन के बाद जब माल बनके मेरे हाथ में आया तो क्या देखता हूँ, उनमें से बहुत सारा माल बहुत ज़बरदस्त श्रिंक हो गया, बहुत सारा माल ब्लीड कर गया, रंग उसके फेड हो गए, किसी में साठे निकलाए, किसमें दाग निकलाए, किसमें कुछ डिफेक्ट, किसमें कुछ डिफेक्ट, मुश्किल से 400 में से 50 पीस जो कि करेक्ट थे सही थे। मुझे समझते देना लगी कि सारा का सारा माल डंप है। तो सो होता क्या है, इंडिया जो है वो डंपिंग ग्राउंड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी बेकार और डिफेक्टेड माल होता है वो हमारे इंडिया में आकर डंप किया जाता है। लेकिन इसमें गलती ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, यूएस की नहीं है, यूके की नहीं है, चाइना की नहीं है, गलती हम इंडियंस की होती है कि हमारे यहाँ के इंपोर्टर्स पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर कुत्तों की तरह हम लोग घूमते हैं कि कोई सस्ता माल है जिसको मैं इंडिया में जाके मुनाफे में बेच सकूं। गलती हमारी होती है कि हम लोग सस्ते सस्ते माल ढूंढ ढूंढ के इंपोर्टर्स यहाँ पर लाके महंगा बेचते हैं, जो कि उसने किया होगा। मुझे पक्का विश्वास है वो कपड़ा 10 रुपए या 15 रुपए में उसने लिया होगा और उसने यहाँ पर मुझे 100 रुपए में देने की कोशिश की होगी, माल वो डिफेक्टिव था। अब मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सर आपने कहा था माल पूरा गारंटीड है, ये सारा माल ब्लीड हो चुका है, माल में सांठे निकलाई है, लाइनें निकलाई है, श्रिंक कर गया। कहता जो भी दिया वो यही है, आपको यही रखना पड़ेगा। कहानी खत्म हुई, अब आपको बताता हूं, सारी बात खत्म हो चुकी है, अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या क्या संज्ञान मैंने लिए हैं। दोस्तों वो माल करीब 10 लाख मीटर था, 10 लाख का मतलब है 10 करोड़ रुपए का। मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरे पास कुछ पैसा था, बहुत सारा पैसा मैंने अर्न करके रखा था, लेकिन मुझे मालूम था अगर मुझे कपड़ा खरीदना है, और माल तो बिकता है तो बात सही थी, माल बिकना था और बहुत तेजी से बिकता, लेकिन ये भी मुझे मालूम था कि मुझे करोड़ों रुपए उधार लेने पड़ेंगे, लोन पे लेने पड़ेंगे, और इसको माल को कई जगह पर मुझे रखना पड़ेगा जब तक माल पूरा मैन्युफैक्चर नहीं होता, उसके बाद सप्लाई करना, ऑर्डर लेके आना, सप्लाई करना, इसमें टाइम लगना था। अगर वो कपड़ा मैंने खरीद लिया होता, लोन लिए होते, तो मैं बिक चुका होता, आज मैं आपके सामने खड़ा ना होता, ये बात पक्की है। मैं बिक चुका होता, मैं बिल्कुल दिवालिया हो चुका होता, मैं बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका होता। दोस्तों अब इस एक इंसिडेंट में बहुत सारे संज्ञान, बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो मैंने आपको जिक्र किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं नीचे सेक्शन में जाकर वीडियोस के, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे लोन लेना है, मुझे पैसा नहीं है, मेरे पास लोन लेना है। दोस्तों आप लोग ना इस समय थोड़ा से ज़्यादा मोटिवेट हो गए हो, नीरव मोदी से आप विजय वाले से ज़्यादा मोटिवेट हो गए हो, आप इन लोगों से मत सीखे, इन लोगों के कनेक्शन थे इस कान से ये लोग हमारा पैसा लेकर के देश के बाहर चले गए। हम लोगों ने लोन नहीं लेना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप लो। बिजनेस जो है वो एक टफ काम होता है, छोटी सी भी गलती आपका काफी नुकसान, काफी पैसे का नुकसान कर सकती है, इन गलतियों से संज्ञान लेना है। मेरी इस गलती से संज्ञान लीजिए, मेरी इस गलती से सीखिए आप लोग। सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि आपने लोन नहीं लेना, कम पैसे स्टार्ट करना है। आप लोग चाहते हो तो पार्टनर रख सकते हैं आप लोग, आप चाहते हो तो आईपीओ निकाल सकते हो, अपने शेयर्स को निकाल सकते हो। शेयर्स को निकालने से, पार्टनर रखने से, आईपीओ को निकालने से क्या होता है कि आपके न सिर्फ प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलता है उनको, आपके लॉस में भी उनका शेयर हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, पैसा उनका शेयर होता है। तो आप लोग शेयर निकालिए, आईपीओ निकालिए, पार्टनर रखिए, लेकिन लोन कम से कम बहुत ज्यादा अवॉइड करना है जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो, और वो लोन भी आपने थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एकदम से बड़ा जम नहीं माना, जो गलती मैं कर सकता था और मैं फंस सकता था ऐसा आपने नहीं करना है। ये पहला संज्ञान है। हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं कि नेवर प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपको अपने सारे के सारे एग जो है एक बास्केट में, एक टोकरी में नहीं रखने हैं। तो क्या होता है, आप लोग जब एक बड़ा सा स्टेप लेते हो, बहुत बड़े स्टेप के लिए लोन लेते हो, लाखों का करोड़ों का आपके सारे के सारे एग्स, यानी कि सारे के सारे अपनी पूंजी उसमें डालते हो, आप लोग लोन के कान से आप फंसते हो। लोन के कान से विजय माल्या, इतना अच्छा नाम था इस इंसान का, राज्यसभा का ये मेंबर भी था, क्या क्या नहीं था, इसके पास अपनी आईपीएल टीम भी थी, क्या हुआ, थोड़े से लोन के कान से अगर ये चाहता है इंडिया में रह करके उस लोन को देता है ना
धोखा भी देता, किसी भी ढंग से अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता, कम से कम इसकी इज्जत तो ना खराब होती। प्लीज आप लोग इस बात से संज्ञान लीजिए, आपने अपने नेवर, यू आर नॉट गोइंग टू प्लेसिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने लोन बहुत थोड़ा थोड़ा लेना, बड़ा बड़ा नहीं लेना। दूसरा संज्ञान जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है, नेवर शो योर एक्साइटमेंट। मैंने उस समय जो अपनी एक्साइटमेंट दिखाई, अव्वल तो मैं जानता हूं कि अगर मैं अपनी एक्साइटमेंट को न दिखाता, मैं वो पागलों की तरह वो थानों को न देखता, बार बार उसको फोन न करता, वो माल हर हाथ में 100 की जगह पे 40 या 50 में अगर मैं सारा का सारा माल लेना लेने की कोशिश करता, वो 40-50 रुपए पर मीटर में मिल सकता था। मेरी एक्साइटमेंट को उसने जज कर लिया। देखिए, नेगोशिएशन स्किल्स यही मांगती हैं। जब भी अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो, दूसरे इंसान को कन्विंस कराना चाहते हो, आपको अपने चेहरे को बयान नहीं करना है। एक अच्छा बिजनेसमैन जब भी अपने वेंडर से कोई माल खरीदता है, देखो सौदेबाजी होती है, इस सौदेबाजी में बिजनेसमैन को हमेशा आगे रखना है। सौदेबाजी में आपका अच्छा होना जरूरी है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी कम होगी उतना बेहतर है। इसलिए अपने एक्साइटमेंट को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बयान मत होने दीजिए, उसके सामने एक्सप्रेस नहीं होने दीजिए। दोस्तों, जो अगला संज्ञान, जो अगली लर्निंग मैंने ली है 25 साल से इस एक इंसिडेंट से, वो ये है कि स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। मेरे अंदर उस दिन ईगो के कारण से मैंने उस माल को नहीं खरीदा, लेकिन आपको बताता हूं, जब तक मैं एक फैशन डिजाइनर रहा, मैंने कितनी बार ऐसा किया कि मैंने बहुत बारी अपनी ईगो के कारण से अपने बहुत सारे डीलिंग को अपने हाथ से जाने दिया। उस बार मैंने ईगो के कारण से अपने आप को बचा लिया। कहना क्या चाहता हूं, कहना भी ये चाहता हूं, अगले अपने इस थॉट के अंदर, अपनी इस लर्निंग के अंदर, स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईगो रखना और बिल्कुल रखना दोनों गलत है। स्ट्राइक अ बैलेंस, एक बिजनेसमैन वो होता है जो जानता है कि कितनी ईगो कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है, कब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कब आपको नेगेटिव एटीट्यूड रखना है। स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। दोस्तों, जो लास्ट में आपको संज्ञान, लास्ट लर्निंग जो देना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा अगर आप प्रोडक्शन में हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमेशा एक छोटा स्टेप लीजिए। मैंने सारा का सारा माल खरीदने की कोशिश करी, उसकी जगह पर मैंने 500 मीटर लिया। मैं तो कहता हूं मेरा 500 मीटर खरीदना भी गलत था, मुझे ये तो 50 मीटर या बहुत कम 10-15-20 मीटर ही खरीदना चाहिए था। उसकी मैं सैंपलिंग कराता, सैंपलिंग कराने के बाद फिर मुझे एक छोटा सा कंसाइनमेंट देना चाहिए था, मे बी 10,000 मीटर, उसके बाद जाके मुझे 10,00,000 मीटर लेना चाहिए था। तो लाख संज्ञान, लास्ट लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूं कि हमेशा शनै शनै जाओ, और जाने से पहले हमेशा एक्सपेरिमेंट करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी लगातार चलनी चाहिए, इससे आपकी स्टार्टिंग में कॉस्ट बढ़ती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आप मुनाफा ज्यादा कमाते हो। अभी भी अगर आप लोगों को थोड़े से डाउट हैं लोन को लेकर के, उधार को लेकर के, और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, पैसे को लेकर के, तो आप अभी भी मुझे, मैं जब भी फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव होगा, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं तब भी, या फिर बेहतर ये रहेगा कि आप अपने क्वेश्चंस को नीचे की तरफ जाकर इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लीजिए। मैं हर रोज दिन में 2 बारी लाइव हो रहा हूं, यूट्यूब पर 1 बारी और 1 बारी मैं फेसबुक पर, आपके क्वेश्चन को मैं वहां पर जाकर जरूर आंसर करूंगा। और अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली में आकर आप एज ए पीजी रह सकते हैं, मेरे ऊपर के नंबर पर आप कॉल कीजिए, और साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर आपने पुश करना है। बाय बाय, ऑफ इट इज इन शबकैन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।